मैं सुभाष मलगुरिया एडवोकेट हूँ, टैक्स का एडवोकेट हूँ, पठानकोट से हूँ और कठुआ मेरा ऑफिस है। मैं डेली पैसेंजर हूँ, लेकिन ये रूट ऐसा बना दिया उन्होंने कि यहाँ इतना रश रहता है। जब ये नया नया बना तब तो नहीं था, अब ये आप जस्ट सी यू लुक एट दैट पॉइंट के जो सरिये वाला ट्रक है इसका रूट है ही नहीं। ये है लोकल कार वगैरह के लिए या लोकल गाड़ियों वगैरह के लिए, लेकिन ये नहीं मानते ट्रैफिक वाले। इनको चाहिए कि इन गाड़ियों पे लगाम करें, लाइन पे आएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लाइन तोड़ देते हैं और कोई इनको पूछने वाला भी नहीं। आधा घंटा हो गया हमें यहाँ खड़े और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। नहीं, ये नहीं कह सकते हम पैसे कमाने के लिए या क्यों के लिए, लेकिन ये ट्रैफिक वालों को देखना चाहिए ताकि ये मानते हैं आपके यहाँ पे जो जाम वगैरह प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब ये इसके लिए नहीं, दिस ड्यू टू नेगलिजेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे नेगलिजेंस के कारण। आप देखिए पीछे ये इस ट्रक को देखिए ना, ये ट्रक क्यों खड़ा है यहाँ पे, स्टील वाला ट्रक क्यों खड़ा है यहाँ पे, जबकि ये लाइन पे होना चाहिए था। किसने सब ब्लॉक कर दिया, कोई इसको रोक भी नहीं रहा, इसलिए चले बंद करें। समझता हूँ ये है सेल टैक्स वाले भी, इनको भी चाहिए कि एक्सपीडाइट करें, जल्दी जल्दी पास करें गाड़ियाँ। इनका झगड़ा होता रहता है और ये ट्रक वाले यहाँ जाम लगा देते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन देखे, इसको क्लियर करे। डीसी साहब को चाहिए यहाँ पे ये देखें कि कोई ऐसा झगड़ा ना पड़े, जल्दी से गाड़ियाँ पास हों सब, क्योंकि आम जनता को नुकसान ना हो। थैंक यू।